जाने कितने अवे चौबे पंडित दुबे तिवारी मायावती के चप्पले चार जाड़ गए, बन गए पंडा और पुजारी। अब सतीश मित्रा की बारी। सीबीआई डीडी का धमकी जो दे रहे हैं, बहन जी को इसका कोई डर नहीं है, कि डरता वो है जो चोरी करता है। की बहन जी बुढ़ा गई हैं, आपके बाप बुढ़ा जाएं तो उनका साथ छोड़ दोगे? आज वो बुढ़ा गए तो आप लोग उनका साथ छोड़ोगे? बैलेट पेपर चुनाव होता रहा है, बहुजन समाज पार्टी कोई हरा ही नहीं पाया, अब आज भी अगर हो जाए तो हरा नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। बिना बुद्ध के उजाला हो नहीं सकता, कमजोर दिलवाला दिलवाला हो नहीं सकता, और जो बाबा साहब के मेरे मिशन को भूल जाए, अपने बाप से मुंह से पैदा हो नहीं सकता, वो नाजा औलाद है यार। जब तक सपा है तब तक भाजपा है, ये बात समझनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया कि आप ये बात कहिए, ढोल गंवार शूद्र पसनारी, आज तक नहीं इनको मालूम था। हो गया, मोदी ने कर दिया जादू टोना, अब तो अपनी घरवाली भी कहती दूर ही रहना, वरना हो जाएगा कोरोना। अब खटिया में बैठे रहते रहना, अपनी रोटी अपने हाथों से ठोकते रहना, मई के चली जाओगी तो देखते रहना। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। और इस एक बार फिर से मैं बीएसपी का एक बड़ा प्रोग्राम जिला हरदोई ब्लॉक राम में हो रहा है, और मिशन है बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना। जब ये बात तमाम लोग सुनते हैं, और वो लोग जो अभी सत्ता में है वो लोग सुनते तो हंसी आती है उनको, क्या कहेंगे। आप लोग बात करते हैं बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने की, लेकिन लोग जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं बहन जी तो है ही नहीं कहीं पर भी, कैसे बन जाएंगे प्रधानमंत्री? वो सिर्फ अपोजिट लोग कहते हैं, जो बहन जी को दिल से मानते हैं और चाहते हैं पार्टी को, और उनका विश्वास है कि 24 में सरकार बनेगी बहन जी की, और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, 100% प्रधानमंत्री बनेगी। ये बहुजन समाज पार्टी की एक हुंकार है, और हर आदमी हर व्यक्ति चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए। कितना बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इस समय, देखिए गौतम अडानी कितना बड़ा जो है उन्हें 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है कर्जा दिया गया जो है, और उन पर 87,000 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ़ किया। क्या किसानों का कर्जा माफ़ किया? नहीं माफ़ किया। किसानों के लिए क्या बिल आया? कुछ नहीं आया। उद्योगपतियों के लिए सारे बिल आ रहे। आज किसान परेशान है, गाँव में चल के देखे, वहाँ आदमी रात पूरी रात जो है गेहूं धान और वो सब बचा रहा है घर जाने के लिए, उसको फुर्सत नहीं। अगर जिस दिन घर चला जाए तो उसका खेत साफ हो जाता है। क्या किया हम किसानों के लिए सरकार ने? ये सरकार जो है हम किसानों के विरोध में सारे काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों की सरकार है, इसे उद्योगपति चला रहे हैं। आज दिन प्रतिदिन घोटाले हो रहे हैं जी। आप बताएं बाबा जी, सर कैसे बनेंगी बहन जी प्रधानमंत्री 2024 में? बहन जी प्रधानमंत्री तो निश्चित अब की बात 24 में बनेंगी, और बात यह है कि हम लोग ये मनुवादी लोग हम लोगों को हमारी सरकार बनने नहीं देते हैं, हम लोगों को गुमराह करके और अपना झूठ फरेब फैलाकर हम लोगों का वोट ले लेते हैं, और हमारी बहन जी की सरकार नहीं बनने देते हैं। सरकार मैं आजीवन जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से अपना वोट हाथ ही और बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, और आशा है मेरा बाबा साहब का मिशन अधूरा अब की बार 24 में पूरा होगा। माननीय बहन जी मेरी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगी, और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और जी बताइए, पूरे समाज में कितनी बार ये बात आई, सब समाज के जितने संसार में लोग हमारे साथ भाई लोग हैं, सभी लोगों ने माना है बहन जी का साथ देकर। बहन जी का एक नारा था साथियों, आज भी गाड़ियों में लिखा है और आप जानते भी हैं, सर्वजनिता है सर्वजन सुखा है। आप जो इस नारे को गलत साबित करते वो हमको यहाँ बता दे, बहन जी ने साबित करके दिखाया। उसका प्रमाण है बहन जी की सरकार में, पहले हमारी जो सरकार थी इसमें सब बच्चों को वजीफा नहीं मिलता था, बहन जी की सरकार आते सभी सर्व समाज को वजीफा बहन जी ने दिया। बहन जी ने अपनी नीति में सब सर्व समाज को माना, समानता का अधिकार देने के लिए किसी समाज का हमारा भाई हो बहन जी से जुड़ने के बाद अपनी सरकार बनाई, और सबको हिस्सेदारी और जो आरक्षण को बात की, और बहन जी ने अपने शासन सरकार में लोग समाज में कह देते हैं कि बहन जी दलित समाज की हैं, लेकिन साथियों हमें, मैं यादव समाज का हूँ, हमें 25 वर्ष हो गया हूँ, बहुजन समाज पार्टी में बूथ अध्यक्ष काम कर, भाईचारे में आज विधानसभा अध्यक्ष में काम कर रहा हूँ, और बहन जी से मैं 4 बार मिंच का साथी हूँ, लेकिन बहन जी के थोड़ी गलती हुई, गलती इंसान से होती है, जानवर से नहीं साथियों। बहन जी ने कहा है
मैं गांव के साथियों यादव जी निकल चलो, मैं गांव के चल रहा हूँ, मैं भी गांव को गांव जा रहा हूँ और बहन जी भी निकल रही हैं। लेकिन जो सीबीआई डीडी का धमकी जो दे रहे हैं, बहन जी को इसका कोई डर नहीं है कि डरता वो है जो चोरी करता है। बहन जी ने जो भी पैसा लिया है अपने साथ करके दिखा दिया है, हमारे पास जो भी पैसा है वो हमारे गरीब भाई मजलूमों का है, 50 रुपये की रसीद का है, 200 रुपये की सदस्यता का है, वो पैसा हमारे पास नंबर एक का है। साथियों लोगों पास पैसा बड़े बड़े धन्ना सेठों लेते हैं, जैसे बीजेपी की सरकार 2000 रुपये देती है, राशन देती है और अडानी अंबानी पैसा लेती है। उस पैसे से अडानी अंबानी सरकार चलाते हैं। डीजल का भाव 65 रुपये से 100 रुपये के ऊपर निकल गया है, गैस का भाव 400 रुपये से ये 1100 रुपये पहुँच गया साथियों। और हमारा जो सामाजिक स्तर चल रहा था, जो हमारे सामाजिक लोग हमारे भाई बहनों का राशन जो मिलता खाते पीते थे, उसकी महंगाई चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो आम रिकॉर्ड पहुंच गई है। उसका कारण है धन्ना सेठों के पैसा लेंगे तो धन्ना सेठ सरकार अपने हिसाब चलाएंगे, समाज मरे या जिए। और साथियों जो हमारे भाई लोग अभी तक कहते थे बहन जी दलित हैं, लेकिन हाथ करके मैं भी दलित हूँ। साथियों यादव भी दलित है, कुशवाहा भी दलित है, मौर्य साहब भी दलित हैं और ठाकुर साहब भी दलित कर हुए आपके, ये भी सभी दलित हम समाज हैं। 85% दलित हैं हम, दलित दलित भाई भाई हैं। 85% है तो सरकार तो बन जानी थी ना अब तक। हाँ हमारे एक समय में मैं छोटा सा था, उस समय में मिले थे काशीराम लाम सिंह का मंडन हुआ था, उस समय में छोटा सुन रहा था कि एक जब सरकार बनी थी सब इकट्ठे 85 हो गए, तब नारा लगा था मिले मिला हम काशी राम हवा मुर्गे जय श्री राम। तो साथियों भावनाएं भावनाएं हाथ हो जाएंगे ऐसे मत बोलिए। तो साथियों उस समय में नारा तो हम लोगों छोटे बचपन से सुन रहे थे, तो वहाँ पे जब हमारे भाई इकट्ठे हुए और सर्व समा इकट्ठा हुआ, उसमें सरकार बदला दी, फिर एक नारा चला था सपा सरकार ने चलाया था साथियों, कहा था हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। उस समय साथियों जब हल्ला बोल कहा हमारे उन मनवादी साथियों ने क्या कहा था, भंडा फोर भंडा फोर, तो भंडा वहाँ तो नहीं फूट पाया साथियों, भंडा हमारे। तो प्लान क्या है फिर बहन जी कैसे पहुँचेंगी वहाँ तक? बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो अपनी कोर कमेटी उनकी अपना कार्य कर रही है, अपने दिशा निर्देशों को हमारे हमारे बड़े भाई लोग पहुँचा रहे हैं, उसके तहत हम लोग जग रहे हैं, उसके तहत हम लोग कार्य करेंगे। आप प्लान एक्शन प्लान क्या रहे? हमारा असल प्लान है हम भाईचारा को जोड़ रहे हैं, भाईचारा जब जोड़ेंगे अपने भाइयों को जगा रहे हैं, गुलामी की जड़ों को छुड़ा रहे हैं, गांव-गांव जाके हमारे भाई लोग समझ रहे हैं कि हम सब 85 सभी अपने शूद्र हैं और शूद्र की बात 97% लोग हिंदू हैं, जज नहीं है कोई भी उनमें से, सिर्फ 3% लोग हैं वही जज हैं इस देश में, वाइस चांसलर नहीं है इस देश में, बताइए क्या कहेंगे? कौन कहता है लोग हिंदू हैं? कौन कहता है हिंदू हैं? सारे कह रहे नहीं मैं नहीं मानता हिंदू को। अच्छा कौन है हिंदू, किसने वर्ड लिखा है हिंदू वर्ड आप बताइए किसने लिखा है, कोई बता दे हमको हिंदू वर्ड क्या है। हमारा भारत का नाम है भारत इंडिया, हिंदू हिंदू किसने लिखा हमको कोई बताया कि कितना बड़ा ब्राह्मण हो? अरे सारे लोग कह रहे ना भाई मैं नहीं मानता हिंदू, किस बात का हिंदू? अब लोग कहते हैं हमारे चमार भाई क्या कहते हैं कि बहन जी बुढ़ा गई हैं, आपके बाप बुढ़ा जाएं तो उनका साथ छोड़ दोगे, आज वो बुढ़ा गए तो आप लोग उनका साथ छोड़ रहे हो, बहुत गलत बात है ये, गलत बात है कि नहीं भाई? लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी होता, आप अब उनका साथ दो, बूढ़ी है वो, ये थोड़ी कि उनका साथ छोड़ दो। अरे उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आज भी अगर बहन जी सुनिए, आज भी अगर बहन जी कह देंगे मेरे बच्चों मैं तुम्हें रामलीला मैदान दिल्ली में मिलूंगी, तो इस देश का जो बहुजन समाज का बच्चा है रामलीला मैदान भर देगा, पक्की बात है। तो ये हुंकार क्यों नहीं होती फिर? अब होगी बिल्कुल जी बिल्कुल। बहन जी के जो कार्यालय में सरकार जिनकी थी उत्तर प्रदेश में, इस सरकार में जितनी भ्रष्ट सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था इतनी खराब चल रही है, इतनी कभी नहीं चलती थी, जितनी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में जितनी बढ़िया चलती थी, राशन आज कम मिलता है सब पब्लिक को, कभी सरकारी जब पूछती है सिर्फ अनाड उनके जो बिल है ये सब पास करवाती है, इन सालों चोरों को जो है बहुत कायदों से जो है उनको देती है। बहुजन समाज पार्टी जो है गरीब के साथ हमेशा रहा है और बहन जी गरीबों के साथ रही हैं, और बहन और काशीराम जी ने जो कहा है नीला झंडा हाथी निशान, नीला झंडा हाथी निशान वही होगी बहुजन समाज का। और आप ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी है 24 में 100% दिल्ली की योगी जी सरकार बना ली, योगी जी ने दो बार बताइए, आप जैसे कार्यकर्ता होते हुए तो इसकी विफलता किसको मानेंगे? किसको विफलता? ये हमारे जो समाज ये फूटा हुआ है, ये एकता खुद नहीं करता है, ये जो अपना समाज है हम अपनी एससी की बात कर रहे हैं, ये खुद इधर उधर भागती है। अगर ये एकता हो जाए 85% है हम, वो 15% सरकार बनाए हुए हैं, 5% है भाई, 5% ही है और बनाना चाहिए, मगर हमारे लोगों की आंख नहीं खुलती एससी लोगों, वो तो कहते नहीं हमको। युवा तो जाग रहे हैं आप जैसे? हाँ हमारा जैसा जाग रहा है,
आज करते थे। लाखों और बहुत सारे युवा तो चंद्रशेखर के पीछे भी हैं। अब वो उनकी बेवकूफी है, वो तोड़ रहा है चंद्रशेखर आजाद, वो तोड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, जो है वो करना चाहिए उनको। बीएसपी के युवा विंग है क्या? है बीएसपी के युवा विंग है, हाँ स्टूडेंट विंग है, है जी है, तो वो सड़कों पे कहाँ है? अब आएगी, समय लगेगा। जो देख रहे हो वही है, ये देखो भीड़, ये बहुजन समाजी पार्टी की है, ये बहन जी के साथ में है, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे भूख टूट से सबसे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे इसका, बहुजन समाज पार्टी को 24 में हमको बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनने के रूप कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे, संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या प्लान है, क्या युवाओं का क्या प्लान है? संघर्ष करेंगे सारे युवा भाई, सब बोलेंगे सारे। ये भी है तौर, जी जी आप बताइए क्या रहेगा प्लान 2024 में? 2024 में बहुजन समाज पार्टी बनेगी। हाँ जी जी बनेगी, जितने सारे हमारे भाई जितने जैसे ये युवा हो, जितने युवा हैं सारे सब मिलके 24 में बनेगी बहन जी की सरकार। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, युवा सड़कों पे क्यों नहीं, इतने सारे मुद्दे पूरे देश में हैं, बीएसपी के युवाओं को तो सड़कों पे आना चाहिए। अब यही हो रहा है, यही हो रहा है, अब गांव चलो अभियान चला है, अब गांव गांव जाएंगे हम, हाँ पक्की बात, अब गांव अभियान चल रहा है, वही चलेंगे हम सब सारे। अब देखो निकले हैं, अब देखे हैं सब सड़कों पर है, लेकिन ये मीडिया के लोग नहीं दिखाते हैं। मीडिया भारत देश की ऐसी है कि वो अन्ना हजारे को नेता बना सकती है, मीडिया वो चीज है केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकती है, मेजरी वो चीज है जो उसको रामदेव को बहुत बड़ा उत्पादक बना सकती है। तो इस देश की मीडिया चोर है, मीडिया हमारा साथ नहीं देती है, मनी मीडिया माफिया ये तीनों बसपा के खिलाफ है। सोशल मीडिया तो है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हम लोग मतलब ज्यादा देखते भी हैं, सोशल मीडिया का मतलब हमें लाभ भी मिलेगा आगे चल के, लेकिन ये मीडिया देश की चोर है, ये सही बात नहीं लिखती है। अगर सही बात मीडिया अगर हमको एक महीने के लिए दी जाए तो पूरा भारत देश हम लोग सुधार देंगे, पूरे भारत की जनता सुधर जाएगी, लेकिन ये मीडिया के लोग और उद्योगपति लोग ये बसपा को आगे नहीं बढ़ने देते थे। करोड़ों अरबों की पार्टी है सामने, करोड़ों अरबों की पार्टी है, बड़ा बड़ा फंड है उनके पास, बीएसपी कैसे टिकेगी? तो कुछ भी हो, कितने फंड, हम लोग कभी नहीं डरे, कितना भी बड़ा प्रत्याशी हो हम लोग कभी नहीं डरे, कितना भी प्रत्याशी बड़ा हो, लेकिन हमारा बहुजन समाज पार्टी का कोई नहीं डरता है, मतलब कितना भी उद्योगपति एक हो जाए, लेकिन अब क्या किया जाए वही बात है कि जब तक बैलेट पेपर चुनाव होता रहा बहुजन समाज पार्टी कोई हरा ही नहीं पाया, अब आज भी अगर हो जाए तो हरा नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। अभी निकाय चुनाव आएंगे, अगर कोई हरा दे बहुजन समाज पार्टी तो हम चुनौती देते हैं। रहेगा, सरकार बनेगी अपनी 24 में, पक्की बात, बहन जी पहुंचेगी वहाँ दिल्ली, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बनेगी, कतई क्लियर बनेगी, सब SC BC सब एक हो गया है, उसको सब समझ में आ गया है। आज तक अभी हमारे गुड्डू भाई कह रहे थे, क्योंकि अब ये जिधर भी जाते हैं कहीं भी जाए इनके ऊपर लात पड़ती है, कोई भी चला जाए OBC या कोई भी जाए सीधे लात पड़ती है, कहीं भी जाए कानून के बाद जाए कहीं भी जाए, क्योंकि वो मार खाती है, तो अब उनकी आँख खुली है, इसलिए गाँव अभियान चल रहा है, अब सब गाँव गाँव जाए सब एकत्रित हो गए हैं, ऐसी बात। अभी तक अपने को आदमी जो बैकवर्ड था वो नहीं जानता था कि हम भी शूद्र हैं, वो हमको समझता था SC के लोगों की यही शूद्र है, हम नहीं शूद्र हैं, ये गलती सरकार करती है। अब तो अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि जो जात प्रमाण पत्र जारी होगा, जैसे हमारे क्षत्रिय समाज खड़े हैं शिवराम सिंह जी, इनका जब जात प्रमाण जारी होता है तो उसमें क्षत्रिय लिखा जाता है, ब्राह्मण का जारी होता है तो ब्राह्मण लिखा जाता है, वो कोई भी ब्राह्मण हो, और वैश्य का जारी होता है तो वैश्य लिखा जाता है, लेकिन हमारा पिछड़ा और दलित अगर जारी होता है तो उसमें शूद्र क्यों नहीं लिखा जाता है? ये पकड़ वाली बात, यही चोरी है। लेकिन असम में हम लोग नहीं समझ भाई, ये तो संवैधानिक है, बाबा साहब ने तो SC ST OBC लिखा हुआ है संविधान में, तो संविधान का अगेंस्ट कैसे लिखोगे आप? वो तो अभी है, चल रहा है भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो चल रहा है, तो ये अगर उनके तीन में लिखा जाता है तो हमारे में भी लिखा जाए, चाहे बैकवर्ड को चाहे SC को, उसमें शूद्र लिख दिया जाए, कौन में शूद्र है तो शूद्र भी बैकवर्ड समझे कि हम भी शूद्र आ रहे हैं, प्रमाण पत्र लेकर निकले तो ये बैकवर्ड कह रहा है हम भी शूद्र तुम भी शूद्र, तो हमारा संगठन बने, ये संगठन को फोड़ने के लिए ये मतलब व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप लोग समझे हैं, आप समझे हैं बहुजन समाज पार्टी नंबर एक पार्टी उत्तर प्रदेश में बनेगी, जरूर बनेगी, हाँ बनेगी। कैसे 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 टकराएंगे बाबा से? बाबा का बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस क्षेत्र में OBC बाहुल क्षेत्र उसी से में बहन जी टिकट देंगी, अब SC मिलकर सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा दुनिया की ताकत। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि बहन जी ने कैंडिडेट ऐसे, अखिलेश यादव सब एक है, हाँ सब एक है, अखिलेश भाजपा एक चीज है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव चोर है, वो चोर किस लिए है ऐसे बता रहे कि वो किसी पार्टी का जो मौका उसका आता है तो सबके आगे हाथ वो फैलाता है, उसको जो वोट जरूरत होता है, बहन जी की वजह से अभी मैनपुरी में चुनाव हुआ था तो बहन जी के पाए डिम्पल, ये महन डिम्पल जी ने पांच हुए बहन जी के, तभी सरकार वहाँ बनी, तभी बनी पाए वहीं, वही विधानसभा में जो है लोकसभा में सरकार जो है अपना स्थान चुन पाए। आजमगढ़ में नहीं जीत पाए थे, क्यों नहीं जीत पाए थे, वहाँ भी जीत लेते,
रामपुर में नहीं जीत पाए, तो वहाँ जो इसीलिए कह रहा हूँ बहन कुमारी मायावती जी का जो है वोट उनका अजूट है और वही काम जहाँ भी है वो झंडा उनका हमेशा ऊपर रहेगा। बहन जी का जहाँ जहाँ गठबंधन रहा तहाँ 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 बसपा जीती है, सपा जीती है। आप चुनाव पूरे पिछले देख लीजिए, उपचुनाव जितने हुए हैं कभी भी बसपा के अलावा ये जीत पाए हों तो हमें कहीं भी बता दें। अभी मैनपुरी वाला क्योंकि वो मुलायम सिंह का गढ़ था, मुलायम सिंह की वहाँ पर लगी थी चेष्टा, एक जो प्रेष्टा होती है जो चेष्टा होती है चले गए जिंदगी से, तो वहाँ की जनता ने वहाँ की एससी के लोगों ने भी ट्रांसफ़र किया वोट। और माननीय बहन जी जो करती हैं जो निर्देश देती हैं अपने कार्यकर्ताओं को उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। सन 2024 में हम लोग पुनः कोशिश करके नहीं पुनः अपनी जिंदगी लगा के हम बहन जी को प्रधानमंत्री के चेहरे में देखना चाहते हैं। जी हाँ जी, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे अभी डिंपल की बात करी तो डिंपल तो योगी आदित्यनाथ की खुदाई रिश्तेदार है, ये सब जानते हैं, उनकी चचेरी या फुफेरी बहन लगती है, तो उसको नहीं हराएंगे। देखो ये हम साफ बात कहते हैं, उनका रिश्तेदारी मामला है। जब भी उनका कोई कार्यक्रम होता है सपा तो भाजपा वाले जाते हैं, भाजपा को होता सपा वाले जाते हैं। अखिलेश के तिलक के लिए लीजिए, 3 किलोमीटर व्यवस्था थी लेकिन सभी पार्टियां गई थी लेकिन बहुजन समाज पार्टी कोई नेता एक भी नहीं गया था, क्योंकि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो उनका आपस में रिश्तेदारी संबंध है। भाई रिश्तेदारी कैसी है, वो जब वो योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूरे आवास को पता आपको किससे धुलवाया था, खाली नौटंकी है, खाली दिखावा है। वो कहते हैं कि अगर जब तक सपा मजबूत है, जब तक सपा है तब तक भाजपा है, ये बात समझनी चाहिए कि जब तक सपा है वो भाजपा वाले भी जानते हैं कि जब तक सपा मजबूत रहेगी तभी तक भाजपा जिंदा है, अगर जिस दिन सपा कमजोर हो गई उस दिन भाजपा मिट जाएगी, यह है चक्कर। जब 12 में सरकार बनी थी सपा की, 12 से 17 तक चली, 17 में सपा चली गई, जब योगी जी हमारे जो यहाँ के मुखिया हैं मुख्यमंत्री जब नखलऊ उस पर पहुँचे राजधानी पर, तो वहाँ जब वहाँ का आवास जो था गाय के मूत्र से धुलाया गया था, तो एक चीज़ अखिलेश भी सोच लें कि हम लोग गाय के मूत्र से ज़्यादा भी गई गुजरे हुए हैं, गाय के मूत्र से भी ज़्यादा गई गुजरे हुए हैं। और अखिलेश को नहीं समझ में आता है या सपा के या कांग्रेस किसी को भी, हम नहीं दूसरे के पार्टी का विरोध करते हैं, ओबीसी में नहीं आते हैं, वो हाई कास्ट में नहीं लाते हैं, तो इनका ये क्या मतलब है। जब उनको उनके जब गए उनकी कुर्सी गाय के मूत्र धो के जब उनने प्रवेश किया बाबा जी, और आज वो कहते हैं कि मैं सबके साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ। अब तो उनके पार्टी के मौर्य धनाधन धार तो रहे, शूद्र शूद्र चिल्ला रहे अब बीएसपी के जो है वोट सोचने का काटेंगे ऐसे ये कहेंगे ये, मगर बीएसपी का वोट उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो है वो जुड़ा है, तो वो कभी पीछे नहीं हटेगा, वो आगे बढ़ेगा पीछे नहीं हटेगा, वो दिल्ली तक सरकार पहुँचा देगी, दिल्ली तक सरकार पहुँचा। और जब जब बीएसपी का कोई भी काम आता है, ये योजनाएं आती हैं, तब तक कोई मुख्यमंत्री बनता है तब वो योजनाएं बीएसपी के लिए समाप्त हो जाती हैं। एक बात और कहेंगे आप कहो जी, आप कुछ कह रहे हैं। अभी बात स्वामी प्रसाद मौर्य वाली आई, क्योंकि अब इस समय मुस्लिम और पिछड़ा ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुड़ गया है, तो इन्होंने मिलकर के भाजपा और सपा वालों ने एक सुगुफा छोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया कि आप ये बात कहिए ढोल गंवार सूत्र प्रश्नारी, आज तक नहीं इनको मालूम था, ये हम ही को मालूम था, आज इन्होंने इसलिए कहा कि मुस्लिम इमरान मसूद और वो गुड्डू जमाली जितने भी नेता हैं सब लोग बसपा की तरफ चले आ रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए मात्र इनको रोकने के लिए सिर्फ ये सुगुफा स्वामी प्रसाद मौर्य से छोड़वाया गया है, ये भाजपा ने कहा तब उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि वो तो सभी पार्टियों में रहे हैं, उनको मालूम की बातचीत होती रहती है, तो ये कुछ है नहीं इसमें। हाँ, आज तक मतलब ये नहीं बोले, लेकिन केवल बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए ये मतलब सोच रहे हैं कि जनता इस समय बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जा रही है, तो ऐसा सी गुफा छोड़ दो कि लोगों का ध्यान हट जाए उधर से, ध्यान हटाने के लिए सिर्फ इन्होंने कहा है और कुछ नहीं मुद्दा ने कहा है। अभी सपा की जब सरकार बनी थी 12 में शुरुआती सबसे नंबर एक पर बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी गई, नंबर एक, जहाँ जहाँ जिला थे जिले के नाम बदले गए, मेडिकल कॉलेज का पहले मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर कॉलेज था, फिर उसका रखा गया राजकीय, ठीक है सर, वो अम्बेडकर वादी बनते हैं सपा के लोग, अम्बेडकर वादी बनते हैं, अम्बेडकर की फोटो लगाते हैं किस लिए
किस लिए? सिर्फ एक दलित का वोट लुभाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। जब सपा की सरकार थी तो जितने भी एससी के बच्चे थे, एसटी के बच्चे थे, कक्षा 1 से 8 तक के सारे सारे स्कॉलरशिप बंद कर दिए, ये सपा सरकार ने किया। उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण जो था, हमारे शाहबाद में एक मनसाराम बेचारे पासी बिरादरी के एसडीएम थे, उनको तहसीलदार बना दिया गया, तो उन्होंने बेचारे ने अपनी रिटायरमेंट ही ले लिया। तब कहाँ गई सपा भाई? सपा ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, उसका स्कॉलरशिप बंद किया, तो हितैषी कैसे आज हो सकती है? राजनीति में अखिलेश यादव जी अपने बाप का चच्चा से बप्पा कहने, आप लोगों क्या होगा? राजनीति में चच्चा से बप्पा से आगे निकल गया, राजनीति में चच्चा से बच्चा बप्पा से आगे निकल गया, जो आप लोगों क्या क्या होगा? जाने कितने अबे चौबे पंडित दुबे तिवारी, मायावती के चप्पले चार जाड़ गए, बन गए पंडा और पुजारी। अब सतीश मित्रा की बारी, उसको ने चिंता अपने स्वाभिमान की, पिछड़ों को चिंता अपने सम्मान की, जयंता जहान की, बाबा साहब संविधान की। देखिए एंटी योगी जी ने क्या क्या कोरोना लगा दिया कोरोना, कोरोना के चक्कर में बदनाम हो गया और 14 दिनों का होम क्वारंटाइन बनवास हो गया। मोदी ने कर दिया जादू टोना, अब तो अपनी घरवाली भी कहती दूर ही रहना, वरना हो जाएगा कोरोना। अब खटिया में बैठे रहते रहना, अपनी रोटी अपने हाथों से ठोकते रहना, मैके चली जाऊंगी तो देखते रहना। मायावती जी ने कहा था समय आएगा, मायावती जी ने कहा था समय आने पर मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, समय आ गया। समय क्योंकि दलित, उन्होंने कहा दलित हनुमान थे, हनुमान ही दलित है, शंकर सुमन केसरी ने तेज प्रताप महादेव हनुमान ही दलित है। देखिए फारूक अब्दुल्ला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, गयासुद्दीन गाजी फारूक अब्दुल्ला, इंदिरा गांधी फारूक अब्दुल्ला, बसरू अब्दुल्ला, नजीर अब्दुल्ला, बेंजर भुट्टो, अली जिंदा, एक ही पाकिस्तान, एक ही रामा रामा हरे हरे, मुर्गी बकरा घरे घरे, उनका पूछ पकड़ा है, उनका गाय पकड़ा है यार, गाय पूछ, वो एक ही कह रहे हैं यार। हम लोग मूल निवासी हैं, हम यहाँ के हैं, बिना बुद्ध के उजाला हो नहीं सकता, कमजोर दिलवाला दिलवाला हो नहीं सकता, और जो बाबा साहब के मेरे मिशन को भूल जाए, अपने बाप से मुँह से पैदा हो नहीं सकता, वो नाजायज औलाद है यार, वो नाजायज औलाद है। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? हमारा, मेरा नाम दिलीप कुमार, मैं बाबूलाल कोटेदार का लड़का, नूर बेथौड़ का रहने वाला, बिलग्राम मेरा मकान है। देखो 82 सीटें हमारे लोकसभा में है, 131 विधानसभा में है, 664182 गाँव है, 95 देश है और 28 राज्य है, 75 जिला है, सारा कुछ है। लेकिन हम लोग क्या है, चोटिया और लुटिया में लटके रहते हैं। योगी जी ने क्या क्या, उन्होंने इशारा कर दिया, क्या क्या, सीता के नैयर में घुस गए नेपाली, और अयोध्या में मंदिर बने हाली हाली, अब जनता से क्या बजावो लोटा और थाली, योगी बाबा संघ को घंटा बजावा, अब कोरोना 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 भगावा, रतिया में GST लगावा और नोटबंदी लगावा, अब प्रवासी का आदरी का घर पहुंचा, आदरी ठौरे मार डरवावा, अगर करियो खिलाफत तुमका जेल ही पहुँचावा, अगर करियो खिलाफत जेल ही पहुँचावा, अब कोरोना 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 घंटा बजावा, मोमबत्ती बुझाए बल्ब बुझाए के मोमबत्ती जलावा, बल्ब जलाए के बल्ब बुताए के मोमबत्ती जलावा, और जनता से कहा लोटा थाली करोना करोना भगावा भगा, बहुत कुछ है। ये देखिए सूरज के उगने से सुबह नहीं होता है, इसके लिए आंखें खोलना पड़ता है, जब तक कि आप आंखें नहीं खोलोगे सुबह नहीं होगी, क्योंकि हम 85% है दलित हैं। दलित मतलब हम सूर्यवंशी छत्री चमार है, फौलाद ने अंगार है, संत गुरुदास की औलाद है, सूर्यवंशी छत्री चमार है, लेकिन आप अपने आप को नीच समझते, नीच हो ही नहीं, नीच वो है जो नीच कर्म करे, मरम खाए, शरम खाए, सौरम खाए, बरातम खाए, जन्म खाए, चुटिया घंटी डाट आ गए, आ जाए जाने को वेद पुराण जमाने में, अब क्यों गिरे एंटीना वाले के मकानों में, क्यों एंटीना मकाले वाले के मकानों में क्यों गिरे? लेकिन हम लोग क्या कहे, बुद्ध धर्म बुद्धि का धर्म है, उच्च धर्म नहीं। बाबा साहब ने क्या कहा था, दलितों जागो निंदिया त्यागो, कहे बने नीच गवार रे, कुत्ते का जूठा खाते पर तुम्हें दूर दूर आते, खुली दिन तुम्हारी, और बाबा साहब जगाए खा रहे। हम लोग क्या है, दलित मतलब हम लोग हनुमान है। मोदी जी ने कहा था चाय बेचने वाला एम और पीएम, ये जूता है जो मंदिर तक पहुंचाता है, ये जूता जो स्कूल तक पहुंचाता है, ये जूता है जो कॉलेज पहुंचाता है, ये जूता स्कूल वर्दी पहुंचाता है, ये जूता है जो आर्मी तक पहुंचाता है, और ये जूता है जो मंदिर के जाके बाहर पांच रुक जाता है, और ये जूता है जो पहले मंदिर में जाने से पहले जूते पे नजर आता है। ये कौन बनाता है, संत गुरु रविदास, एम और पीएम और मोदी और मन की बात रविदास, मोदी का यही इशारा है, प्रधानमंत्री दलित ही बनेगा। लेकिन समझ जाओ तब तो, क्योंकि सगरों को भिक्षा खाने को नहीं मिल रही है। मोदी जी ने क्या बना दिया, लेटरिन सबको दे दे, शौचालय दे दिया है, उनका भी यही सारा है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। एम और पीएम मोदी, मन की बात काशी बनारस, जहां संत गुरु रविदास हुए थे।